आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय गाइस, देखते हैं मेरे पास क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज द मीन मंथली सैलरी पेड टू 77 एम्प्लॉइज इन अ कंपनी वाज रुपीस 78। द मीन सैलरी ऑफ 32 ऑफ देम was rupees 45 and the other 25 was rupees 82. What was the mean salary of the remaining? आराम से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। लिखा है कि एक कंपनी है जिसमें कितने एम्प्लॉयज हैं, 77 एम्प्लॉयज हैं। कितने एम्प्लॉयज हैं, 77 एम्प्लॉयज, और उनकी मीन मंथली सैलरी कितनी है, रुपीज 78। ये क्या है हमारी 77 एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी मंथ की। और बोला है कि जो मीन सैलरी 32 ऑफ देम, यानी कि जो 77 में से जो 32 लोग हैं, 32 एम्प्लॉयज हैं, उनकी मीन सैलरी दे रखी है रुपीज 45, और 25 एम्प्लॉयज की मीन सैलरी दे रखी है 82। तो जो बाकी एम्प्लॉयज बचे 77 में से 32 और 25 हटा के, उनकी मीन सैलरी क्या होगी, कितने एम्प्लॉयज बचेंगे अगर 32 और 25 एम्प्लॉयज की हमें मीन सैलरी दे रखी है। तो टोटल एम्प्लॉयज 77, उसमें से 32 एम्प्लॉयज की सैलरी है 45 मीन सैलरी, 25 एम्प्लॉयज की मीन सैलरी है रुपीज 82। तो टोटल एम्प्लॉयज कितने बचे, 77 माइनस 32 माइनस 25, तो ये कितने बचेंगे, 77 माइनस 57 विच इज 20। तो 20 एम्प्लॉयज की हमें मीन सैलरी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले इनको नाम दे देते हैं कोई, जिससे हम इनको पहचान पाए। दे देते हैं एक्स बार, हमें पता है क्या होता है, मीन होता है। हमें सबसे पहले क्या दे रखा था, सारे के सारे 77 एम्प्लॉयज की मीन सैलरी दे रखी थी 78। तो एक तरीके से अगर ये हमारा एम्प्लॉय नंबर वन, ये हमारा एम्प्लॉय नंबर टू का पार्ट है और ये एम्प्लॉय नंबर थ्री का पार्ट है, तो एक्स बार 1, 2, 3 यानी कि कंबाइंड मीन कितना हो गया, 78 रुपीज। जहां पर एक्स बार वन कितना है, यानी कि मीन ऑफ 32 एम्प्लॉयज कितना है 45, मीन ऑफ 25 एम्प्लॉयज कितना है 82, और मीन ऑफ 20 एम्प्लॉयज कितना है हमें नहीं पता, तो इसको एक्स लेट कर लेते हैं। और 32 एम्प्लॉयज एन से रेफर करते हैं, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, एन यानी कि 77। अगर ये 1 है तो मतलब एन 1 कितना हो गया 32, एन 2 कितना हो गया हमारा 25, और यहाँ पर एन 3 कितना हो गया 20। और हमें पता है हमें कंबाइंड एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार वन एन वन प्लस एक्स बार टू एन टू प्लस एक्स बार थ्री एन थ्री डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। x बार 1, 2, 3 हमें गिवन है कितना, 78 x बार 1 है 45 और n 1 है कितना 32 प्लस x बार 2 कितना है 82 और n 2 कितना है 25 प्लस एक्स बार थ्री कितना है एक्स और एन थ्री कितना है 20 डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री, यानी कि 32 प्लस 25 प्लस 20, और ये हमें पता था 77 आएगा। क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने थे 77। अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 78 इंटू 77 इज इक्वल टू 45 इंटू 32 कितना होता है 1440 प्लस 82 इंटू 25 होता है 2050 प्लस
एक्स इंटू 20 इज 20x, 78 इंटू 77 हो गया 6006, 1440 प्लस 2050 कितना होता है 3490 प्लस 20x। तो हम x के लिए सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 6006 माइनस 3490 यानी कि कितना आएगा ये देखते हैं, 6006 माइनस 3490 कितना आएगा, ये आएगा 2516। तो 20x किसके इक्वल हो गया, 2516 के इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 2516 डिवाइडेड बाय 20, ये कितना होता है 125.8। और x हमने क्या लिया था, x 3 बार, यानी कि 125.8 क्या आ गया हमारा, x 3 बार क्या था हमारा, एवरेज ऑफ 20 एम्प्लॉयज की सैलरी का एवरेज कितना आ गया 125.8। और हमें यही कैलकुलेट करना था मीन सैलरी ऑफ द रिमेनिंग, यानी कि 20 एम्प्लॉय की मीन सैलरी कितनी आ गई, 125.8। थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।